नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से थ्री नाइट्रो बेंजोइक एसिड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए पहले बनाइए आप बेंजीन, सर ये हमने बनाई सर बेंजीन, सही, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे ही बना सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, ऐसे ऐसे। अब यहां पर लगा दो बी आर, इसका नेम हो गया ब्रोमो बेंजीन, 1 2 3, और यहां पर लगा दो एनओ टू, अब इसका नेम हो जाएगा क्या, थ्री नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। अब थ्री नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से हमें क्या बनाना है, आइए सर हमें बनाना है क्या, पहले से समझिए, ये आपकी बनी बेंजीन, मानते हो, मानते हैं, यहां पर लगाया हमने सी डबल ओ एच, ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, क्या नाम है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। चलिए अब इसकी पोजीशन 1 2 3, यहां पर थ्री पोजीशन पर एनओ टू लगा दिया, अब इसका नियम क्या होगा, थ्री नाइट्रो बेंजोइक एसिड, हमें इससे ये बनाना है, तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए हमने यहां पर कुछ भी चेंजिंग नहीं करी है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करी हो ना करनी है, और बेटा बी आर के स्थान पर हमें सी डबल ओ एच ग्रुप को लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर स्टेप समझते हुए पढ़ेंगे। चलिए बताइए यदि बात समझ में आई, नहीं आई तो हमें इससे तो ये बनाना है। चलो अब मैं यहां आपको समझा, फटाफट अपनी कॉपी निकालो, साथ साथ मेरे नोट करते हुए चलना, समझते हुए चलना। चलिए नाम पता चल गया, जी सर इसका नाम पता चल गया, अब हमें पहले क्या करना है बेटा, हम यहां पर इसकी रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम से, और उपस्थिति बोले तो प्रेजेंस रखेंगे ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की, किसकी, शुष्क ईथर की, इतनी तो अंग्रेजी जानते हो बेटा। जब आप यहां पर ये सिस्टम देख रहे हो और बी आर से एमजी से रिएक्शन करा रहे हो, इसकी उपस्थिति रख रहे हो, तो ये कंडीशन बनती है, क्यों, क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है इससे, क्या बनता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, वो सर क्या होता है, आइए वो कौन सी बला है, देखो वो ये बला है, इस तरह से रिंग बनाई, यहां पर आपने एनओ टू लगाया, जी सर, यहां पर बेटा लगा दो एम जी और उसके साथ जोड़ दो बी आर, इस तरह से बनता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बन जा भाई, परेशान मत कर, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, इससे ना आगे रिएक्शन हम आपको ना कई बार करा चुके हैं, याद होगा आपको, सी ओ टू से क्रिया, और ये क्या है, ड्राई आइस, जानते हो ड्राई आइस क्या होती है, सोलिड सीओ टू, ठोस CO2 को ड्राई आइस बोला जाता है। चलिए खैर अब कैसे करना है, देखो बहुत ध्यान से, इधर आओ इधर इधर, बहुत ध्यान समझो, देखो हम क्या जानते हैं, CO2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है, बोले तो रेखीय होती है, उस पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलो देखो भाई, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, इसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी कम होती है, इसीलिए इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव, मेरी बात ध्यान समझो, हम बोल सकते हैं डेल्टा, इन्हें 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 क्या बोल सकते हैं, डेल्टा, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, सही है, या डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, या हम इन्हें पता क्या बोल सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, सही, पार्शियल बोलो तो आंशिक, आंशिक ऋणायन, आंशिक धनायन, आंशिक ऋणायन, सही, कंफ्यूज नहीं होने का, आइए देखो इनके बीच में आपने ऐसा ऐसा कुछ देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट था, बेटा ये कार्बन है, मानोगे नहीं मानोगे, सर मानते, ये कौन है आपका, मैग्नीशियम है, तो इनके बीच में भी तो पोलैरिटी होगी, मतलब इनके बीच में भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा, तो क्या होगा, ये मेटल है, तो इस पर बेटा पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव ही आएगा, और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, अब नेगेटिव पॉजिटिव देख रहे हो तो बस नेगेटिव पॉजिटिव का खेल शुरू हो गया है, तमाशा देखने तैयार हो जाओ, कैसा तमाशा,
ये पॉजिटिव को लाकर इस नेगेटिव से जोड़ना है और इस पॉजिटिव को वहां नेगेटिव से जोड़ देना है, बन जाएगा जो आपको बनाना है। अभी नहीं, उसके करीब हो जाओगे, करीब। अरे लाल पेन से लिखते, चलो कोई नहीं, लाल पेन भी कोई बात है, दिखाई दे रहा होगा ना। चलो अब लिखता हूं मैं इससे, यहां कौन आएगा सर, यहां तो कार्बन आएगा, जोड़ दो, एक को इससे जोड़ दो, एक को क्या दिखा दो, एक को यहां दिखा दो, चलो ये ऑक्सीजन आ गई, और फिर सर MgBr, बताओ। इतनी बात समझो, पहले नोट कर लो, इतनी बात समझो ध्यान से, क्या आपको समझ में आई, वीडियो पोस्ट करो समझो। अब क्या करना है बेटा, मैंने आपको कितनी ग्रीन नाइट्रोजन की रिएक्शन कराई है, जरा आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, चैप्टर वाइज करा रखी है मैंने आपको रिएक्शन, तो वहां पर मैंने आपको बताया था। अब क्या करना है आपको, अब हमें करना है सर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोले तो अम्लीय जल अपघटन, या हम इतना इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेने की है, टेंशन नहीं लेने का। देखो हमारे पास जल है, मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव साइन आएगा, आएगा या नहीं आएगा, जी आएगा। जरा यहां गौर करो कि इन दोनों के बीच में भी तो ऐसे ही होगा ना, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव का रोल आ गया, तो बस इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव में दे देना और इस नेगेटिव को, सॉरी इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव को दे देना, सही है, इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव दे दो और इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव दे दो और बात को खत्म कर दो, मतलब हमारा कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। मैं नीचे उतार लेता हूं रिएक्शन को, नीचे ऐसे उतार के लाता हूं, बोलिए क्या बना सर, देखो मेरी बात समझो जरा बच्चो, ये सही, और ये चाहे इसे ऐसे लिख सकते हो, मैं यहां दिखा रहा हूं आपको कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बच्चा, ऐसे लिख सकते हो, ये आपका, ये इसे सीधा करके लिख लो COOH, सही। एक काम भूल रहे हो, NO2 उस्ताद, NO2 लगाओ यहां पर, रिएक्शन गलत करवाओ लग रहा, यहां भी लगाओ NO2 लगाओ सर, सर 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 लग गई सर, तो ऐसे लिख लो या लिख दिया, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। बचा क्या था उसको भी देखते हैं, बचा था बेटा आपका MgMgOHOHBrBr, लीजिए रिएक्शन तैयार, बताओ समझ में आई नहीं आई, ये कौन था 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन और बन गया 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बेटा अपना ख्याल रखना, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहना और अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा। और बेटा जो लास्ट ईयर में ना, लास्ट ईयर में जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर हुए हैं, जैसे 2024 है, 2023 है, 2022 है, इनमें कौन कौन सी रिएक्शन पूछी गई है, उसका क्या पैटर्न रहा है, इस पर जरा जरा फोकस करना, समझ रहे हो, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा भी अलग तरह से जा रहा है आजकल, समझ गए। चलिए फिर हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।